गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन में आपको इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन में इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, यहां पे लिखा रहता है कुल नॉट रिफ्रेश फीड, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है वो आपके फ़ोन में तब आता है जब आपके फ़ोन में यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है। तो अगर आपके फ़ोन में अगर नेटवर्क नहीं रहता है तभी गाइज यहाँ पे आपको इस तरीके से कुल नॉट रिफ्रेश फिट करके लिखा हुआ आपको जो है इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क फुल है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो है अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम का जो एप्लीकेशन है उसको आपको प्ले स्टोर से अपडेट करना है। तो अपडेट आप जैसे ही करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मैनेज एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम लिख लेना है। तो इस तरीके से आप जो है इंस्टाग्राम लिख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे स्टोरेज में जाना है और यहाँ पे आपको क्लियर डेटा पे क्लिक करके क्लियर कैचे कर देने हैं, ओके। अगर आप यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और दोबारा से लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप बेहतर यही है कि आप जो है क्लियर कैचे कर लीजिए। तो उसके बाद दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।